ਜੀ ਮਲਾਈ ਦਾ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਇਕੜੇ ਹਾਏ ਦਾ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵਾ ਜੀ ਹੇਰੋੜਕਰ ਮਾਮਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੋ ਆਪ ਯਹਾਂ ਸੇ कोल्हापुर से रुकड़ी रुकड़ी कोल्हापुर ये किस मंदिर के लिए आपने खरीदा है घोड़ा किस मंदिर के लिए बालवा मंदिर तो ये आप वहाँ पर घोड़ा ले जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा इस घोड़े का मंदिर में पालकी समोर फिर महीना तो ना पालकी होते ना पालकी के सामने अच्छा पालकी कोई कौन पसंद नहीं खाएगी एक महीने में आधा घंटा इसका काम है ऐश आराम खा के ऐसा ही बैठेगा इस पे कोई बैठेगा नहीं सिर्फ भगवान के लिए जिंदगी भर ऐसी पूजा होगी अच्छा तो इससे पहले भी कोई घोड़ा था क्या पहले था वो कहाँ है अब घोड़ा वो उसके भाई भेड़िया होते ना बाबा मामा के उसके मंदिर उसके पास गए मेंढी के पास अच्छा मेंढी के पास ये घोड़ा आपने क्या देख के खरीदा समय क्या खास बात नजर लगी जय मंगल अच्छा जय मंगल जय मंगल जय मंगल देवमन है देवमन है मस्ती की आगे का ऊपर का सब बराबर है अच्छा कंटा एक कंटा भगवान को जैसा चाहिए वैसा हो भगवान की सबसे मतलब आप क्या चाहते हैं कि ये सगुण संपन्न है सगुण संपन्न स्वरूप और हाइट भी है हाइट भी है और 64 इंच हाइट है और अदंत है अभी 64 इंच और अदंत है अच्छा 64 इंच और अदंत है और स्पॉटलेस भी लग रहा है सफेद सफेद पूरा सफेद ओके 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 बहुत अच्छा बच्ची से दूर भैया बच्ची ना पकड़ा नहीं जैसी गाड़ी मामा ना हुआ नचाती है हाँ बोलेगे हाँ बोलेगे बस हाँ बोले बस पूरा ऊपर हो जाएगा क्या कर रहा है जो भगवान को घोड़े पे चाहिए वो सब इसमें है सब इसमें सब इसमें सर्वगुण इसका नाम भी रखा जाता है क्या नाम हमने राजा 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 घोड़ा राजा नहीं आप वहाँ पर नाम रखते हो उसका इन घोड़ों का अच्छा ये अदंत है आपने बेचा इनको जी हाँ। आपका नाम क्या है मोहम्मद नदीम मोहम्मद नदीम जी कहाँ से आए हैं आप यूपी उत्तर प्रदेश अच्छा अच्छा नदीम जी बहुत अच्छी दोनों की डील हुई है आपको बहुत बधाई एक बार आप दोनों हाथ मिला लें शेकन कर लें हाँ ये देखिए ये है बालू मामा टेम्पल की झलक जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है बालू मामा आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र के लाखों लोगों के लिए एक संत थे बालू मामा एक चरवाहा भी थे और कई लोगों के एक आध्यात्मिक गुरु भी थे उन्होंने कई चमत्कार किए जिससे कि लोगों की मदद हो सके यहाँ तक कि उनके जो भेड़ थी वो भी शुभ मानी जाती थी और टेंपल की जो अथॉरिटीज हैं जिम्मेदार लोग हैं वो भी बालू मामा की भीड़ों की देखभाल करते हैं बालू मामा एक आध्यात्मिक गुरु थे जो कि जानवरों के प्रति बहुत दयालु थे और अपनी भीड़ों के साथ लंबी लंबी दूरियां तय करते थे ऐसा माना जाता है कि जिस खेत में उनकी भीड़ें जाती हैं वो खेत समृद्ध हो जाता है इसलिए कई लोग बालू मामा की भीड़ों का देखभाल करते हैं जिससे कि उनकी जिंदगी में सुख संपत्ति आए We'll be right back.
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।